तो वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोस्तों, अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई है फरार। तो इस मूवी से डेब्यू किया है शशि कपूर के पोते कुणाल कपूर के बेटे जहान कपूर ने, और दूसरी तरफ परेश रावल के बेटे हैं आदित्य रावल। इन दोनों कलाकारों की जो एक्टिंग इस मूवी में दिखाई गई है वो इस मूवी को बचा नहीं पाए और मूवी गिर गई। दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश के ढाका जो शहर है, 1 जुलाई 2016 को होली आर्टिसन कैफे में जो हमला हुआ था, उस हमले के ऊपर इस मूवी की कहानी पूरी बेस्ड है। और इस आतंकी हमले में कई लोग मारे गए, मतलब इंडियन भी थे, कुछ 20-30 लोग थे जो मारे गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ढाका में फरहाद रह रहे होते हैं और इनकी माँ दिखाई है जूही बब्बर, राज बब्बर की जो बेटी है। तो वो इनको बाहर बोलती है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कि भाई तुम वहां जाके पढ़ लो, तो ये मना कर देते हैं कि भाई मैं अपने ही शहर में पढ़ना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ, मतलब इनको इनकार होता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो अपनी दो महिला मित्र से मिलने जाते हैं कैफे में। तो वहां पर बैठ के सभी लोग मशगूल होते हैं अपने अपने बातों में और अपनी अपनी चीजों में, वो लोग बिजी होते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता यहाँ पे अब क्या होने वाला है। कुछ देर के बाद वहां पे आतंकी हमला होता है। तो वहां पे जो आतंकी हमला होता है उसमें जो हेड दिखाए हैं वो परेश रावल के बेटे आदित्य रावल दिखाए हैं। और एक पते की बात यह भी है कि फराज और आदित्य रावल, मतलब जहान कपूर और आदित्य रावल बचपन के दोस्त होते हैं इस मूवी में। और जब फराज आदित्य रावल को देखता है उसको एक ऐसे रूप में, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि यार ऐसा तुम ये काम कब क्यों करने लगे। तो वो जब उसका बचपन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बाकी तुम्हारे और किसी लोगों को नहीं जाने दूंगा। तो फराज कहता है मैं अपने लोगों को भी छुड़ाना चाहता हूं। तो इसी कहानी के ऊपर ये पूरी मूवी फिल्माई गई है। अब आगे क्या हुआ है ये तो आपको मूवी में देखने के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन राइटर ने जो डायलॉग डिलीवरी और सीन लिखे हैं वो बहुत ही कमजोर कड़ी माने गए, और डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग भी हल्की फुल्की रही। हालांकि जो फराज का किरदार निभाया जहान कपूर ने, उनको काफी अपने क्राफ्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें आदित्य रावल ने बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ और मजा हुआ काम करने की कोशिश की है। शाहिद और अलीगढ़ जैसी मूवी बनाने वाले हंसल मेहता ने ये मूवी डायरेक्ट की है। उन्हें लगा कि भाई मैं एक नए लड़कों को लेके अगर मैं इस तरीके की एक कहानी निकाल के सामने पेश करूं तो क्या असर छोड़ेगी। लेकिन निराशाजनक ये मूवी फ्लॉप होने के कगार पर है, क्योंकि ये मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। डायरेक्टर हंसल मेहता ने फराज के जरिए एक ही मजहब के दो लोगों को आपस में विचारधाराओं पर लड़ते हुए दिखाया है। मतलब फराज इधर से अपनी विचारधारा और डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उधर से आदित्य रावल भी अपने विचारधारा और डायलॉग डिलीवरी करते हैं। अब अंत में क्या होगा वो तो आपको मूवी में देखने के बाद ही पता लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप भी इस तरीके की मूवी देखने के इच्छुक हैं और आपको पसंद है तो आप ये मूवी जाके देख सकते हैं। तो बाकी इस मूवी के मुख्य कलाकारों की बात की जाए तो जहान कपूर, आदित्य रावल, जूही बब्बर, सचिन लालवानी, पलक लालवानी और जतिन सारिन, ये इस मूवी में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।